नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉरपोरेट और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। भारत अगले वित्त वर्ष 2025-26 की शुरुआत में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, ये कहना है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल का। भारत वर्तमान में डॉलर के संदर्भ में पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सान्याल ने कहा कि भारत 2024-25 में 4000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था होगा। बाजार मूल्य पर अर्थव्यवस्था का आकार अभी करीब 3700 अरब डॉलर है। सान्याल ने यह भी कहा कि कमजोर निर्यात समेत विभिन्न चुनौतियों को देखते हुए देश के लिए 7% की आर्थिक वृद्धि दर अच्छी वृद्धि दर होगी। एबीडी और फिच रेटिंग्स ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7% और आईएमएफ, एसएनपी ग्लोबल, मॉर्गन स्टैनली ने वृद्धि दर 6.8% रहने की संभावना जताई है। चांदी की कीमत अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। दिल्ली सराफा बाजार में चांदी की कीमत 1800 रुपए उछलकर 88000 रुपए के स्तर को पार कर 88700 रुपए प्रति किलोग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। सोने की कीमत भी 650 रुपए की तेजी के साथ 74050 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। चांदी में लगातार दूसरे दिन तेजी आई है। महंगाई घटने की वजह से अमेरिका में सितंबर की शुरुआत में ब्याज दरों में कटौती की संभावना बढ़ी है, इसी वजह से सोने और चांदी में तेजी आई है। दुनिया भर में मंदी का खतरा एक बार फिर गहराने लगा है। अमेरिका की सबसे बड़ी रिटेल चेन वॉलमार्ट के बाद अब जापान की तोशीबा ने मास लेऑफ की घोषणा की है। तोशीबा रिस्ट्रक्चरिंग के तहत 4000 कर्मचारियों की छंटनी करेगी। हाल ही में प्राइवेट इक्विटी फर्म के नेतृत्व वाले एक कंसोर्टियम ने 13 अरब डॉलर में तोशीबा का अधिग्रहण किया है। इससे पहले फोटोकॉपियर कंपनी कोनिका, मिलोंटा कॉस्मेटिक फर्म शिसेंदो और इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ओमरॉन भी जॉब कट की घोषणा कर चुकी है। वैश्विक स्तर पर हो रहे जॉब कट का असर जल्द ही भारत पर भी देखने को मिल सकता है। शेयर बाजार में आज फिर बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स उतार चढ़ाव भरे कारोबार में 676 अंक की बढ़त के साथ 73663 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान ये हाई में 73749 अंक तक और नीचे में 72529 अंक तक गया। एनएससी निफ्टी भी 203 अंक की बढ़त के साथ 22403 अंक पर बंद हुआ। एचडीएफसी बैंक और इंफोसिस जैसे शेयरों में खरीदारी होने और अमेरिका और एशिया के अन्य बाजारों में तेजी से बाजार को समर्थन मिला। अमेरिका के चीन पर ऊंचा आयात शुल्क लगाने का भारत को फायदा और नुकसान दोनों हो सकते हैं। चीन के उत्पादों पर ऊंचे आयात शुल्क से अमेरिका में भारतीय उत्पादों के लिए अवसर बन सकते हैं। वहीं चीन अपने उत्पादों को भारत जैसे तेजी से बढ़ते व्यापार बाजारों में डंप कर सकता है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध बढ़ने से चीन को मजबूरन भारतीय बाजारों में अपने सामान की डंपिंग करनी पड़ सकती है। अमेरिका ने चीनी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों, बैटरी, सौर सेल, स्टील, एल्यूमिनियम और चिकित्सा उपकरणों पर नए आयात शुल्क लगाने की घोषणा की है। चीन से सस्ते माल की डंपिंग को रोकने के लिए भारत को एक मजबूत व्यवस्था बनानी होगी। सख्त केवाईसी नियमों की वजह से म्यूचुअल फंड्स में नया निवेश करने में परेशानी झेल रहे निवेशकों को अब राहत मिलेगी। बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन के लिए केवाईसी रजिस्टर्ड स्टेटस हासिल करने के लिए आधार के साथ पैन को लिंक करने की अनिवार्यता को अब खत्म कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब सभी निवेशक केवाईसी के लिए अतिरिक्त दस्तावेज दिए बिना ही म्यूचुअल फंड में लेन देन जारी रख सकेंगे। 1 अप्रैल से लागू हुए नए कठोर नियमों के तहत जिन निवेशकों ने पैन और आधार को लिंक नहीं किया था वो म्यूचुअल फंड्स स्कीम में ताजा निवेश नहीं कर पा रहे थे। इस नियम से सबसे ज्यादा असर NRI पर पड़ रहा था क्योंकि उनके पास आधार कार्ड नहीं था। सेवी के संशोधित आदेश के मुताबिक निवेशक अपनी KYC को पूरा करने के लिए पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे डॉक्यूमेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देश में मॉनसून के पहुंचने को लेकर मौसम विभाग ने अपना ताजा अनुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार दक्षिण पश्चिमी मॉनसून 31 मई को केरल पहुंच जाएगा। सामान्य तौर पर मॉनसून 1 जून या फिर उसके बाद पहुंचता है। मौसम विभाग का यह भी अनुमान है कि इस बार मॉनसून सीजन में सामान्य से ज्यादा बारिश होगी। ऑस्ट्रेलिया के मौसम विभाग ने इस साल अल नीना की चेतावनी दी है। अल नीना की वजह से भारत सहित पूरे एशिया में अत्यधिक बारिश होने और बाढ़ की संभावना जताई गई है।
अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा जैसी ऑनलाइन कंपनियों को जल्द ही अपने प्लेटफॉर्म से फेक प्रोडक्ट रिव्यूज को हटाना पड़ सकता है। ई कॉमर्स के फेक रिव्यूज को लेकर अब सरकार बहुत कठोर कदम उठाने जा रही है। इसके तहत सरकार इन कंपनियों को यूजर्स के रिव्यू को एडिट करने से रोक सकती है। इतना ही नहीं, सरकार कंज्यूमर रिव्यू के लिए अब तक स्वैच्छिक गुणवत्ता मानकों को अनिवार्य बनाने पर भी विचार कर रही है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डार्क पैटर्न का पता लगाने के लिए सरकार एक मोबाइल ऐप भी तैयार कर रही है। घर खरीदने की योजना बनाने वालों के लिए अब जरूरी खबर है। देश के 8 प्रमुख शहरों में घरों की औसत कीमत जनवरी मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 10% बढ़ चुकी है। घरों की सबसे ज्यादा कीमत 19% बेंगलुरु में बढ़ी है। रियल एस्टेट सलाहकार कोलियर्स इंडिया लियासेस सोरास की एक संयुक्त रिपोर्ट में कहा गया है कि 8 शहरों में घरों की कीमतें 4% से लेकर 19% तक बढ़ी हैं। बड़े और लग्जरी घरों की ऊंची मांग के कारण कीमतों में लगातार उछाल आ रहा है। मध्यम ब्याज दरों के साथ रियल एस्टेट सेक्टर में मांग आगे भी ऊंची बनी रहने की उम्मीद है। अब चलिए देते हैं आपको आईपीओ से जुड़ा अपडेट। कार्यस्थल समाधान प्रदाता ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस लिमिटेड का आईपीओ 22 मई को खुलेगा और 27 मई को बंद होगा। 599 करोड़ रुपए वाले आईपीओ के लिए कंपनी ने 364 से 383 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। आईपीओ के तहत 128 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए जाएंगे। कंपनी के प्रमोटर और शेयरधारक 1.23 करोड़ शेयरों की बिक्री पेशकश लाएंगे। तो यदि मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें, वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी नाइन के यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में हम अपना फीडबैक जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी नाइन के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।